कहाँ जा रहे हो तुम? ये तो आगे आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए कंटिन्यू रखिए मेरे वीडियो के साथ, कंटिन्यू रहिए। थैंक यू सो मस्त एकदम, ये जुगाड़ मुझे बहुत पसंद है। एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल मॉम्स लाइफ में बहुत 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 स्वागत है। तो आज मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ ये शेयर करूँ। मैं आज अपने मायके जा रही हूँ जो कि दुमका झारखंड में है, और आप खुशी तो देख ही सकते हैं मेरे चेहरे पर। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपने घर जा रही हूँ बस, लेकिन सिर्फ दो दिन के लिए जा रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी दुखी भी हूँ। और इसलिए भी थोड़ी सी दुखी हूँ क्योंकि कोई अच्छे त्यौहार के लिए नहीं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ अपने पापा की बरखी के लिए। बरखी मतलब मेरे पापा को एक्सपायर हुए 2 साल हो गए हैं, तो हमारे यहाँ मिथिला कल्चर में 5 साल तक बरखी करते हैं। आप बरसी भी बहुत जगह कहते हैं, हमारे यहाँ बरखी कहते हैं। तो उसमें लोगों को ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, तो उसी के लिए मैं जा रही हूँ अपने घर। और आगे पैकिंग वैकिंग हो गई है मेरी, तो हम लोग अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, लगभग 3 बजे निकलेंगे। मेरे हस्बैंड अभी हाफ डे के लिए ऑफिस गए हुए हैं, मेरा बेटा भी स्कूल गया था, वो भी घर आ चुका है, वो लंच करके अभी थोड़ा टीवी देख रहा है। और मेरे हस्बैंड जैसे ही आएंगे उसके बाद हम लोग भी लंच करके हम लोग भी निकल जाएंगे। तो मैं आपको आगे के ब्लॉग में भी कंटिन्यू रखूँगी क्योंकि मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे हम लोग जा रहे हैं। हम लोग बाय रोड जाएंगे और बाय अपनी कार से जाएंगे। तो मैं आप सभी को जोड़े रखूंगी अपने साथ और अपने घर तक का सफ़र आपको दिखाऊंगी। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, आप देख सकते हैं मैं तैयार हूँ। तो अब हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर मतलब 5 मिनट में निकलेंगे। तो ये देखिए मैं अपने मायके जा रहे हैं के लिए तैयार हूँ, और ये दोनों बाप बेटों को देखिए, इनको नींद आ गई ससुराल जाने के नाम पे। तो हम लोग निकल चुके हैं पूर्णिया से। ये मेरे ड्राइवर साहब को देखिए, ये फोकस्ड है अपने ड्राइविंग में। और ये मेरा बेटा अपना पोजीशन ले चुका है। ये अपना टैब खोल के कुछ गेम लगा के देख रहे हैं। मजा आ रहा है ना? कहाँ जा रहे हो तुम? ये तो आगे आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए कंटिन्यू रखिए मेरे वीडियो के साथ, कंटिन्यू रहिए। थैंक यू सो मच। ये देखिए, ये रास्ते में दोनों तरफ पानी ही पानी है। ये पूर्णिया से भागलपुर के रास्ते में दोनों तरफ आपको पानी ही पानी दिखेगा, क्योंकि इस सीज़न में क्या होता है, बारिश के टाइम पे कोसी नदी और गंगा नदी दोनों में ही पानी बढ़ जाता है, और एक तरफ कोसी नदी का पानी आ जाता है और एक तरफ गंगा नदी का पानी आ जाता है, इसलिए पानी भर जाता है। ये देखिए ये रास्ता कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मेरे पति देव ड्राइव कर रहे हैं और मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो इधर देखिए, ये कोसी नदी से पहले कितना पानी भरा हुआ है, और कोसी नदी में भी देखिए कितना ज़्यादा पानी बढ़ चुका है, ये बहुत ज़्यादा पानी। ये हम कोसी नदी के पुल पर हैं, और ये देखिए कितना ज़्यादा पानी हो चुका है, बिल्कुल नदी कहीं से भी। और इस पुल के आगे आपको दिख जाएंगे बहुत सारे लड़के जो आर्मी सबकी तैयारी करते रहते हैं। ये देखिए जैसे ये दौड़ रहे हैं, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ना। ऐसे रास्तों पर जाना, ऐसे मौसम में लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो आप देख सकते हैं ये आयशर का जो ट्रक है, ये हमारे साथ साथ आगे आगे चला आ रहा है। कब से आना है? गिरजा चौक से, पूर्णिया से, पूर्णिया से ही याद है। लकड़ी, ये मेरे हस्बैंड भी इसी कंपनी में काम करते हैं जो कि अभी ड्राइवर का काम कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए फिलहाल ये ड्राइवर बने हुए हैं।
और कोसी पुल के आगे हमें बहुत सारे केले के खेत मिले, क्योंकि यहाँ जो मिट्टी है वो नदियों के कारण बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, तो यहाँ पे केले बहुत अच्छे होते हैं। और ख़ास करके जो छोटे वाले केले होते हैं, जिन्हें हमारे यहाँ पे तो चिनिया केले कहते हैं, तो ये वाले केले यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं और दूसरी जगह भी ये सप्लाई करते हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी होते हैं ये वाले केले, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए, ये कांवरिया लोग जो जा रहे हैं जल चढ़ाने बाबा धाम, ये देखिए हमारे यहाँ इस तरह से जाते हैं बाबा धाम कांवर यात्रा, फिर लोग कांवर लेके मस्त एकदम, ये जुगाड़ मुझे बहुत पसंद है। तो ये है इस रास्ते का हॉटस्पॉट डुमरी, जहाँ पे बहुत ही अच्छे पेड़े और दही चूड़ा जो कि खोवा डाल के मिलता है, जो कि बहुत टेस्टी होता है। आप बिहार में अक्सर देखेंगे कि रास्ते में आपको ऐसे पेड़े के शॉप्स मिल जाते हैं। तो ये हम गंगा पुल पे आ चुके हैं और इसे क्रॉस करते ही हम भागलपुर पहुँच जाएँगे। और ये देखिए गंगा नदी में भी काफ़ी, तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं भागलपुर, अभी आधा रास्ता अभी और बाकी है, तो देखते हैं कितने टाइम में हम लोग पहुँचते हैं। अभी अंधेरा होने वाला है, शाम हो गई है, और अब थोड़ी सी और दिक्कत बढ़ेगी चलाने में गाड़ी, तो देखते हैं कब पहुँचते हैं। तो शाम हो गई है, अंधेरा होने को है, दिन ढल चुका है और रास्ते और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं, तो इन रास्तों पे अब चलने में और भी मज़ा आएगा। और यहाँ से भी हमें 3 घंटे और लगेंगे, तो ये देखिए ये रास्ते और अच्छे लगने लगे हैं। बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है क्योंकि रात हो चुकी है, ये करीबन 8 बज रहे हैं। और ये देखिए कांवरिया और ये जो बोलबम यात्रियों के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम रास्ते पर इन्होंने किया हुआ है। तो बस अब हम पहुंच गए हैं दुमका, ये दुमका का टावर चौक है, इसे पहले दुधानी चौक कहा जाता था, जो कि आज भी लोग इसे दुधानी चौक के नाम से जानते हैं, बट जब से यहाँ पे टावर बना इसे टावर चौक के नाम से जानते हैं। तो अब हम बस पहुंचने वाले हैं, ये मैं पहुंच गई अपने घर, ये है मम्मी, चलो मम्मी को प्रणाम कर लेते हैं। और ये भी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं सामान लेकर, बेटा मेरा आगे ही जा चुका। ये है मेरा घर, ये अनुपमा चल रहा है, ये मेरे जीजू जो अनुपमा एंजॉय कर रहे थे, और ये हमारा वेट भी कर रहे थे, तो ये भी आ गए हैं अंदर। अब देख लेते हैं मेरा बेटा कहाँ है, ये किचन है, ये पूजा रूम है, ये राइट में मेरा रूम है ये ब्लू कलर वाला, और ये उसकी मौसी का रूम है। अच्छा, ये मेरा बेटा अपनी दीदी और दोनों मौसियों के साथ खेल रहा है। ये आते आ गया दीदी के पास, कहाँ आया है? येला। आई होप आप सबको मेरे साथ ट्रैवल करने में मज़ा आया होगा। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और आगे भी मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आया करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।